उत्तर भारतीयांविषयी राज ठाकरेंच्या मनात असलेली द्वेषभावना लक्षात घेता त्यांना मुंबई बाहेर तडीपार करावा अशी मागणी भाजप उत्तर भारतीय संघाचे अध्यक्ष आणि मुंबई उपाध्यक्ष मोहित कंबोज यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. सतत आपल्या भूमिकांवरून घुमजाव करणाऱ्या राज ठाकरेंना मानसिक संतुलन नीट ठेवण्यासाठी डॉक्टरची गरज असल्याची खिल्ली त्यांनी उडवली आहे. राज ठाकरेंशी झालेली भेट ही त्यांनी पंतप्रधानपदी मोदींना पाठिंब्याबद्दल होती, आपला मनसे प्रवेशाचा कुठलाही इरादा नव्हता असा खुलासा कंबोज यांनी केला आहे. याबाबत त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी दिनेश दुखंडे यांनी. त्यांनी की राज की भूमिका का आपने कड़ा विरोध किया है. दोबारा कॉर्पोरेशन चुनाव के पहले और अपने अस्तित्व को दोबारा पाने के लिए ये जो उत्तर भारतीयों को टारगेट करने का उन्होंने सोचा है, पूरे मुंबई भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से हम जितने प्रमुख उत्तर भारतीय हैं उन्होंने निश्चय किया है कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी से एक मुलाकात करेंगे. और लास्ट 10 साल से राज ठाकरे जी जिस हिसाब से बयान देते हैं और 10 FIR उनके ऊपर अभी तक कुछ रजिस्टर्ड है, सबको एक्रीमेंट होकर एक FIR करके और चैप्टर में ला के ऐसे आदमी को मुंबई से तड़ी पार किया जाए, ये हमारी हर उत्तर भारतीय की मांग है. क्योंकि ऐसे न्यूसेंस मुंबई में फैलाने से आप जात पात की राजनीति से बढ़ के उल्टा लोग आज जो काम करने वाले उनको डराना धमकाना, ऐसे आदमी को मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है और इनको यहाँ से तड़ी पार करना चाहिए. आपने राज ठाकरे जी को एक कुछ खत लिखा है और उसमें राज ठाकरे को चेतावनी भी दी है कि अगर एक भी उत्तर भारतीय का नुकसान होता है तो उससे दुगना नुकसान व्यक्तिगत स्तर पे राज ठाकरे को उठाना पड़ेगा. किसी गरीब को नुकसान पहुंचाएंगे तो उत्तर भारतीय भी ऐसा कोई तो लाचार बैठा नहीं है मुंबई में, या ऐसा तो नहीं है कि उनके हाथ पैर नहीं है. तो जैसे हिसाब से विरोध वो करेंगे वैसे विरोध वो भी करेंगे. तो वो खुद आज बहुत ही कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है और मुझे लगता है थोड़े विम्जिकल टाइप के राज ठाकरे जी हो गए. कभी कभी बोलते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, फिर बोलते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर बोलते हैं मैं ब्लू प्रिंट लेके आऊंगा, फिर बोलते हैं मैं ब्लू प्रिंट वापस लेके आऊंगा, फिर बोलते हैं मैं मराठी की राजनीति करूंगा, फिर बोलते हैं नहीं करूंगा. तो थोड़े उनके मैं मानसिकता समझ सकता हूं कि जिस मानसिकता से वो गुजर रहे हैं एक अच्छा उनको एक डॉक्टर का इलाज की भी जरूरत है. आपकी एक तस्वीर सोशल साइट्स पे वायरल हो रही है, आप शायद मनसे में ज्वाइन होना चाहते थे और उस वक्त की 2 साल पुरानी तस्वीर है और आपकी राज ठाकरे जी के साथ तस्वीर है, ये क्या मामला है? देखिए मैं कभी भी राज ठाकरे जी की पार्टी में ज्वाइन होना नहीं चाहता था, ना मेरी कोई इच्छा है. और राज ठाकरे जी ने उस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी उम्मीदवार लोकसभा में नहीं लड़ाएंगे ऐसा उन्होंने ऐलान किया था. इसके लिए उनको शुभेच्छा देने गया था कि उन्होंने मोदी जी का जो सपोर्ट किया था, भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी थी कि मोदी जी के सामने उनकी वैसे भी जमानत जब्त होती और लड़ते बेचारा कोई उम्मीदवार तो उसकी और बुरी हालत होती. तो सद्बुद्धि उनको मिली थी, उसके लिए उनको भेंट करने गया था. Zee 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.